अस्पताल में जब बुनियादी सुविधाओं का अभाव होगा, फिर घर पर कुछ ऐसा ही बवाले इलाज होगा। भाइयों और बहनों, बीते चार वर्षों से राजस्थान दोगुनी शक्ति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राजस्थान की सरकारें मिलकर के आप सभी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आइए दिखाते हैं आपको राजस्थान के स्वास्थ्य व्यवस्था के फेल का रिपोर्ट कार्ड का एक और हाल। राजस्थान को जरूरत 3000 उपकेंद्र, 798 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 199 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, पर इनका ना अता है और ना पता है। बुनियादी सुविधाएं दूर की बात, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर आप बुनियादी सुविधाओं को नजरअंदाज कर देंगे फिर आपको पता चलेगा 556 नवजात शिशु पर केवल एक ही डॉक्टर है, जो बेहद चिंता का विषय है। डॉक्टर न सही पर खराब सुविधाओं के चलते राजस्थान में प्रतिदिन 193 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। पर न वसुंधरा जी जाग पाई और न भाजपा सरकार। बदतर स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम देखिए। डेंगू, स्वाइन फ्लू और जीका वायरस के सबसे ज्यादा मामले यही मौजूद हैं। राजस्थान में डेंगू के 3000 मामले हैं, वहीं स्वाइन फ्लू के कुल 20 मामले और अभी नए जन्मे जीका के लगभग 140 मामले हैं। कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े आपको दिखाते हैं। कुल डिस्पेंसरी में से 46% बिना बिजली के चल रही है, जिनकी कुल संख्या 1677 है। वहीं 2663 बिना साफ पानी की अपनी गाड़ी चला रहे हैं। साथ ही केवल 93 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनके पास सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो कि कुल का मात्र 10% है। कुल मिलाकर राजस्थान के अस्पतालों में किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। ये रिपोर्ट राजे जी के एक और नाकामी का पर्दाफाश करती है। अब बात हम आप पे छोड़ते हैं कि आप इस पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। राजे जी तो फेल हैं, कराना राजस्थान का विकास से अब मेल है। Thank you.